13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मसाकरे मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड को 101 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन आज भी उस हत्याकांड की पीड़ा हमारे मन में ताज़ा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग में हुआ था, जिसमें लगभग 1000 से अधिक लोग एक साथ मारे गए थे और लगभग 20000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। जलियांवाला बाग में स्थित कुआं लोगों की लाशों से पट गया था। यह अंग्रेजी शासन के क्रूर और निर्दयी चेहरे को उजागर करता है। तो आइए जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों और कैसे हुआ। बात उस समय की है जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और ब्रिटेन और उसके साथी देश इस युद्ध को जीत चुके थे, जिससे अंग्रेजी और अंग्रेजी शासन का मनोबल काफ़ी बढ़ गया था। भारत में भी अन्य देशों की तरह आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। भारत की गरीब जनता खाने को भी परेशान थी और व्यापारी तथा अंग्रेजी शासन धन उगाही पर पूरा जोर दे रहे थे। व्यापारी ऊंची कीमतों पर अनाज बेच रहे थे, तो वहीं अंग्रेज भी व्यापारियों से खूब टैक्स की वसूली कर रहे थे। भारत की जनता में खूब असंतोष व्याप्त हो गया था, जिसको दबाने के उद्देश्य से इंग्लैंड के हाई कोर्ट के जज मिस्टर जस्टिस रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति, जो आगे चलकर रॉलेट समिति के नाम से जानी गई पहचानी गई, 10 दिसंबर 1917 को रॉलेट समिति का गठन किया गया, जिसने लगभग 4 महीने तक तहकीकात करने के बाद भारतीय देशभक्तों के द्वारा किए गए कार्यों को पढ़ा चढ़ाकर उग्र रूप में प्रस्तुत किया गया। रॉलेट समिति ने अपनी रिपोर्ट में 15 अप्रैल 1918 के दिन भारत मंत्री को सौंप दी। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट भारत में लागू कर दिया गया था। इस कानून के अनुसार ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा उसे जेल में बंद कर सके। इस कानून के तहत अपराधी का उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने व्यापक हड़ताल का आह्वान किया। हड़ताल के दौरान दिल्ली आदि कुछ जगहों पर भारी हिंसा के कारण गांधी जी ने सत्याग्रह को वापस ले लिया। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन साफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, जिसमें कुछ लोग भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। जब नेता बाग में भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सभी के हाथों में भरी हुई राइफलें थीं। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाईं। 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। जलियांवाला बाग से निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था, भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते कुआं लाशों से पट गया। शहर में कर्फ्यू होने के कारण घायलों का भी इलाज ना हो सका और लोगों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। हालांकि विश्वव्यापी निंदा को देखते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमीशन बनाया गया, जिसमें जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अपनी गलती स्वीकार की, जिसके बाद
उसका डिमोशन करते हुए उसे कर्नल बना दिया गया और अक्री की सूची में रख दिया गया। बाद में 1920 में जनरल डायर को इस्तीफा देना पड़ा। जब जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हो रहा था उस समय उधम सिंह भी वहां मौजूद थे और उन्हें भी गोली लगी थी। तभी उन्होंने बदला लेने का फैसला लिया और 13 मार्च 1940 को लंदन में लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली से मार डाला और 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ गए। क्या कहूँ दर्द को जब कईयों ने जान गंवाई, बैसाखी का दिन जनरल डायर बना कसाई, अंधाधुन गोलियां निहत्तों पर बरसाई, ना मिला उसको यश ना सुकून जिसने पाई। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।